हिंदी फिल्मों में खलनायकों को बहुत बारीकी से गढ़ा जाता है। राइटर डायरेक्टर इस बात का खूब ध्यान रखते हैं कि वो कैसे चलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे वगैरह वगैरह। सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले लिखते टाइम एक एक किरदार पर पूरा ध्यान दिया और यही वजह है कि उस फिल्म के विलन से लेकर छोटे छोटे कैरेक्टर अभी तक लोगों के जहन में हैं। लेकिन अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई ऐसे विलन हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। कौन से हैं वो स्टार्स, चलिए बताते हैं आपको। संजय पांडे। संजय पांडे आजमगढ़ के कमहरिया गाँव से है। उन्होंने शुरुआती दिनों में थिएटर किया और फिर फिल्मों में आ गए। उनकी पहली फिल्म कहिया डोली लेके आई बा 2001 में आई थी, जिसके डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे थे। ये दोनों की डेब्यू फिल्म थी। आपको बता दें कि संजय पांडे भोजपुरी का जाना माना नाम है और वो एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके हैं और जब भी वो ग्रे शेड में दिखे तो आग ही लगा दी। अनु परोड़ा। खलनायकों की लिस्ट में अगला नाम अनु परोड़ा का है। हालांकि अनु परोड़ा इन सभी कलाकारों से सीनियर है। उन्होंने वाराणसी से थिएटर करना शुरू किया और फिर उन्हें नाना पाटेकर की हिंदी फिल्म आज में अच्छा रोल मिला। 1997 से वो भोजपुरी में काम करने लगे। उन्होंने तब पटना दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले भोजपुरी के प्रथम सीरियल सांची प्रीतिया में मुख्य किरदार किया। अनूप ने लगातार भोजपुरी फिल्मों में खूब काम किया। वो ज्यादातर रोल्स में हीरो या हीरोइन के पिता ही रहे, लेकिन जब जब उन्होंने ग्रे शेड के किरदार किए तो वो लाजवाब रहे। और मनोज टाइगर। मनोज टाइगर को लोग एक हर दिल अजीज कॉमेडियन के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रे शेड और मुख्य खलनायक के रोल भी काफी किए हैं। जिगर और मोकामा जीरो किलोमीटर उनकी नेगेटिव शेड में अच्छी फिल्में मानी जाती है। मनोज ने थिएटर की शुरुआत 1996 में की थी और वो मशहूर पृथ्वी थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।